तो देख रहे हैं, कावेरी और उसकी बच्ची की जान खतरे में है और आप चुपचाप खड़े हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ तो कीजिए, कोई चमत्कार कीजिए स्वामी जी। हम विवश हैं मन्नू भाभी, आप जानती हैं कि सांसारिक जीवन में प्रवेश करते हुए हमें अपनी सारी शक्तियां पीछे छोड़नी पड़ी। हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु ईश्वर में हमारी आस्था को हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमें विश्वास है कि ईश्वर कावेरी जी और उनके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करा दीजिए, मैं इनके घर वालों से मिलकर आता हूं। डॉक्टर साहब मुबारक हो, लड़की हुई है। अब घबराने की कोई बात नहीं है, पेशेंट और उनकी बच्चे दोनों ही सही सलामत है। बस ऑपरेशन करना पड़ा जिसकी वजह से फिलहाल बेहोश है, थोड़ी देर में होश आ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मुबारक हो कावेरी। तुझे बहुत बहुत बधाई हो बेटा, भगवान करे तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची की उम्र बहुत लंबी हो। खुश रहो बेटा। थारी धोने, ये तो बिल्कुल कावेरी की कार्बन कॉपी है। बड़ी होके एकदम कावेरी बनेगी। हे भगवान, दो दो कावेरियों को भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत प्यारी है कावेरी, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा दिया है तुमने मुझे। चलो आओ अपने दादा दादी के पास जाओ। चलो नहीं नहीं, पहले वो दादा दादी के पास नहीं आएगी, पहले वो नाहर बना के पास जाएगी, क्योंकि नाहर बना ने ही तो माँ और बेटी की जान बचाई है। अगर कावेरी जमीन पर गिर जाती तो। शुभ शुभ बोल अंबिका, शुभ शुभ बोल। नहीं मन्नू भाभी, मम्मी जी ठीक कह रही हैं। अगर आज नाहर बन्ना ने मुझे नहीं थामा होता तो ना जाने क्या हो जाता। हम अरे लीजिए, बना अब जैसे आपने इस बच्ची की जान बचाई है ना, वैसे ही अब आप इस बच्ची का नाम भी रख दीजिए। हम कैसे नाम रख सकते हैं? कैसे क्या, मम्मी गलत थोड़ी ना कह रही है। एक तरह से इसे नया जीवन आप ही ने तो दिया है, बताइए ना कोई अच्छा सा नाम। इसके चेहरे पर इतना तेज और काया में इतनी तमक, निसंदेह कामिनी से अच्छा नाम हो ही नहीं सकता। कामिनी बहुत सुंदर नाम है। श्वेता का नाम जैसे तारा जी ने उसके रंग रूप को देखकर श्वेता रखा था ना, वैसे ही मेरी पोती पर ये नाम खूब फबता है ना मन्नू भाभी।
कितनी खुश है आपके गोद में आकर। आज एहसास हुआ कि कितने पवित्र होते हैं बच्चे। पहले कावेरी जी की बच्ची को गोद में लेना और अब इसे। सच कहूं तो ऐसा लगा जैसे एक पल में मोक्ष मिल गया हो। सच कहूं तो एक परिवार अधूरा होता है औलाद के बिना। आपकी जिंदगी का एक हिस्सा मानो आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, हंसता है, खिलखिलाता है, रूठता है, मनवाता है। एक अलग ही एहसास होता है। नाहर बहुत खुश थे जब श्वेता हमारी जिंदगी में आई, और सावरी के आने के बाद तो ये खुशियां दुगनी हो गई। घर आने के बाद उनकी आंखें बस इन्हें ही तलाशती रहती। बहुत अच्छे पिता थे वो। सच कहूं सलोनी, मैं यूं ही पहाड़ों में ईश्वर को तलाशता था। आज जाना, ईश्वर तो यहीं इन मासूम बच्चों में कहीं छुपा बैठा है। पहाड़ों में ईश्वर को तलाशता फिरता था, इसका क्या मतलब हुआ? सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? नाश्ता भी नहीं किया अभी तक? बाबा, हम रंकिनी माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। श्वेता को भी साथ लेकर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, समय भी शुभ चल रहा है माता के दर्शन का। माता इस पे अपनी कृपा बनाए रखे, हर बुरी नजर से बचाए। सावित्री, हम माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। लाओ, सावरी को भी दर्शन करा लाए। लीजिए पैसे। ब्रह्मा जी ने बड़े चाव से लिखी मेरी छोरी की तकदीर, तभी तो दो दो मां का लाड़ मिले हैं इसे। साची कहूं भाई साहब, पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे मेरी छोरी ने, तभी तो थे लोग मिले। इतना प्यार, इतना लगाव, एक अनजान छोरी के लिए जीवन बीमा करवाया थे। कौन करे है आजकल भाई साहब? सावित्री, तुम ऐसी बातें कहकर कभी कभी खुद को और सावरी को पराया कर देती हो। आखिर तुम इस परिवार का हिस्सा हो, और परिवार के लिए कुछ भी करना बड़ी बात नहीं होती। चले? जी, चलते हैं बाबू। Oh.
इंटरेस्टिंग। तो ये फ्रॉड मिस्टर नहार कोई ब्राह्मण है। अब हम जानते हैं कि इस फ्रॉड की सच्चाई कैसे सबके सामने लाई जा सकती है। डोंट माइंड माय डियर सलोनी, खेल खत्म होने का वक्त आ गया है। आइए उस बेंच पर बैठते हैं। संभाल के संभाल। नाहर भी अपनी बच्चियों को लेकर इसी तरह फिक्रमंद हुआ करते थे। जरा सी ठीक आए किसी को तो नींद उड़ जाती थी उनकी। बहुत जुड़े हुए थे अपने बच्चियों से। क्या क्या सपने देखे थे, स्कूल में पढ़वाऊंगा, वो कॉलेज जाएंगी, अपनी मर्जी का करियर चुनेगी और मैं जान लगा दूंगा कि जो भी करियर चुने उनमें सफलता मिले इन्हें। सारे सपने अधूरे रह गए। ना वो अपने बच्चियों के पास है और ना इन बच्चियों को कभी अपने पिता का प्यार मिल पाएगा। मुझे माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। चिंता न करें सलोनी जी, नहार का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। इन बच्चियों को एक पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा मैं। नहार ने इन बच्चों के लिए जो चाहा था वो मैं दूंगा इन्हें। कैसे? आप शायद भूल रहे हैं कि इन बच्चियों का और आपका साथ उम्र भर के लिए नहीं है। तुम्हें वचन देना पड़ेगा कि ठीक एक महीने बाद तुम वापस लौट आओगे। जी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपने ब्रिजेश जी की पसंद का खाना बना रहे हैं। उन्हें चिकन बहुत पसंद है, सोचा अपने हाथ से बनाकर खिला दें। हमारे हाथ से बना खाना खाकर उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। आप किसी को खुशियाँ दे नहीं सकती, सिर्फ छीन सकती हैं। ब्रिजेश के लिए खाना मैं बना लूंगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है तारा, अगर तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, तुम ही बना लो ब्रिजेश जी के लिए। हम नहार के लिए बना लेते हैं। नाहर को भी चिकन तो बहुत पसंद है ना? नाहर आपके हाथ से एक ग्लास पानी नहीं पीता। आपके हाथ का खाना खाना तो दूर की बात है। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए इस वक्त। मैं बना लूंगी दोनों के लिए, ब्रिजेश के लिए भी और नाहर के लिए भी। ठीक है तारा, अगर यही तुम्हारी मर्जी है ठीक है। बस प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चिकन थोड़ा स्वादिष्ट बनाना। अपनी जिंदगी की तरह इसे भी फीका मत बना देना। मैंने आपसे सलाह मांगी, मुझे क्या करना चाहिए, अपनी जिंदगी कैसी जीनी चाहिए। ब्रिजेश और नाहर का टेस्ट मैं अच्छे से जानती हूँ। आप शायद यहाँ से जाने वाली थी, प्लीज जाइए। फाइन तारा, ऑल योर्स। यही तो हम भी चाहते थे तारा, कि तुम उस फ्रॉड को अपने हाथ से बनाकर चिकन खिलाओ।
हमारे हाथ का तो वैसे भी ना खाने का बहाना ढूंढ ही लेंगे वो लोग। गुड लक। अरे तारा, आज अचानक नाहर और ब्रजेश का पसंदीदा खाना बनाने का ध्यान कैसे आया तुम्हें? बस भापो, यूं ही मैंने सोचा दोनों भाइयों ने कितने दिनों से एक साथ बैठकर अपनी फेवरेट डिश नहीं खाई है, तो बना दिया। क्या हुआ नाहर? आप शुरू कीजिए, ये तो आपकी फेवरेट डिश है। अरे भाई, जब तक आप नहीं शुरू करेंगे कोई खाएगा नहीं। लेट्स स्टार्ट। ये नॉनवेज डिश, ये अमृत कैसे? क्या हुआ नाहर, किसका इंतजार कर रहे हैं आप? जहाँ तक हमें याद पड़ता है ये तो आपकी फेवरेट डिश है, और आपकी प्लेट में पहुंचने से पहले आप इसे साफ किया कर देते थे। आज क्या हो गया? खाना है, खा क्यों नहीं रहा? ओहो भाई, इन दोनों की तो आंखों ही आंखों में इशारेबाजी चल रही है। लगता है नाहर वरना सलाली जी के हाथों से खाना खाना चाहते हैं। भाई, इन दोनों का प्यार और इनकी शादी जमाने भर नया ताजा ही रहेगा। अरे, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? अगर नाहर सलोनी के हाथ से खाना चाहता है तो यही सही। चल सलोनी बेटा, जल्दी खिला दे इसे।